बहुत ही जूसी, बहुत ही क्रिस्पी, एकदम पतली पतली जलेबी आज हम बनाएंगे। अगर आप इसे एक दिन रख कर भी खाओगे तो ये मुलायम नहीं पड़ने वाली है, सिर्फ एक खास ट्रिक के साथ। तो ये देख सकते हैं आप कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है और एकदम जूसी है। तो ये देखिए, जो चाशनी है वो एकदम अंदर तक गया है। अभी मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाऊंगी कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है। ये देखिए, एकदम एक एक टुकड़ों में ये अलग हो चुका है। देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिया ए टू जेड रेसिपी में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा और 1/4 कप दही लिया है, ये नॉर्मल घर की दही है। और फिर 1 टीस्पून लिया है मैंने बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ही हमें लेना है, बेकिंग सोडा नहीं लेना है। और क्यों नहीं लेना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये देखिए, एक बर्तन में हम ये मैदा निकाल लेते हैं। उसके बाद जो दही था वो भी हम इसमें डाल लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं बेकिंग पाउडर भी डाल देती हूँ। 1 टीस्पून का मतलब होता है 1 छोटी चम्मच। और उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे येलो कलर का फूड कलर। आप चाहे तो इसमें ऑरेंज या फिर रेड भी डाल सकते हैं। फूड कलर टोटली ऑप्शन है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हो। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसका थिक सा बैटर तैयार करेंगे। और इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए और इसे हमें बिल्कुल अच्छे से फेंटना है, ताकि इससे आपके हाथों की एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। थोड़ा हाथ दुखेगा लेकिन कोई बात नहीं, इसे हमें बिल्कुल अच्छे से इसी तरीके से फेंटते रहना है ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रह पाए। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें पानी डालना है और इसे मिक्स करते जाना है। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से हमें मिक्स करना है। ये देखिए, अभी बैटर थोड़ी ज़्यादा ठीक है, तो थोड़ा पानी है इसमें हम और ऐड करेंगे और इसे इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से भी मिक्स हो चुकी है। बस अब हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाएंगे। यहाँ पे 1 चम्मच चावल का आटा डाल रही हूँ। इससे क्या होगी ना कि जो आपकी जलेबी है वो बहुत ही लंबे समय तक कुरकुरी बनी रहेगी। अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो इसे स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर लंबे टाइम के लिए आपको जलेबी को कुरकुरी रखनी है तो चावल का आटा बस 1 चम्मच डाल देना। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह से होनी चाहिए, एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी इसकी बन चुकी है। बस ये बिल्कुल परफेक्ट मिक्स हो चुका है। अब इसे हम साइड से क्लीन कर लेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अब इसकी चाशनी हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप चीनी और 1/2 कप इसमें हम पानी डालेंगे और फिर इसमें डालेंगे हम कुछ इलायची के दाने। और फिर यहाँ पे मैं चाशनी में भी येलो कलर का फूड कलर डाल रही हूँ, उसमें मुझे थोड़ा कम लगा था इसीलिए मैं चाशनी में भी डाल रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसमें पानी में घोल करके और इसमें डाल दिया है। अब चाशनी हमें कैसे चाहिए, तो चाशनी हमें ना ही ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए, बिल्कुल एक तार की चाशनी होनी चाहिए। और वो भी तार एकदम छोटी सी बननी चाहिए, मतलब मान लीजिए एकदम चिपचिपी सी चाशनी होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये देखिए, अभी मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसमें तार जो है एकदम छोटी सी बन रही है, एकदम बिल्कुल छोटी सी बन रही है। बस परफेक्ट चाशनी हमारा बन चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे हम इस तरीके से एक पाइपिंग बैग लेंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं हो तो आप दूध वाली थैली या फिर नमक वाली थैली भी ले सकते हो। तो ये देखिए, पाइपिंग बैग को हम इसे ग्लास में इस तरीके से फंसा लेंगे और जो हमने बैटर बना करके रखा था वो सारा इसमें हम डाल देंगे। तो ये देखिए, इसमें हमने बैटर डाल दिया है। अब इसे क्या करेंगे, इसे हम पीछे के साइड से रबर की मदद से लॉक कर देंगे। इससे क्या होगी कि जो हमारी बैटर है वो पीछे के साइड से नहीं निकलेगी। तो ये देखिए, इसे इस तरीके से हम लॉक कर देंगे।
तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से लॉक कर लिया है। अभी से हम क्या करेंगे कि सीजर की मदद से कट कर लेंगे। तो ज़्यादा हमें नहीं कट करना है, बिल्कुल हल्का सा कट करेंगे क्योंकि हमें पतला पतला बनाना है ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा कट करेंगे। अगर आपको मोटा बनाना है जलेबी तो आप थोड़ा मोटा कर सकते हो कट। अब एक हम कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई हमें इस तरीके से चौड़ी मुंह वाली चाहिए और इसमें हमने डाला है घी। अगर आप घी नहीं खाते हो तो आप रिफाइंड ऑयल में भी इसे तल सकते हो, लेकिन घी में तलने से इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो तेल है वो तेल ना ही ज़्यादा गर्म होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए, बिल्कुल मीडियम हॉट होनी चाहिए। और उसके बाद इसे हम दोनों साइड से अलट पलट करके बिल्कुल गोल्डन होने तक तलेंगे। ज़्यादा हमें सिर्फ इसका कलर जो है वो डार्क नहीं करना है, बिल्कुल हल्का गोल्डन कलर आएगी बस हम इसे तल करके निकाल लेंगे। इसे दोनों साइड से हमें अलट पलट करके पका लेना है। जब ये हल्की सी गोल्डन कलर की आ जाए तब हम इसे निकालेंगे। तो ये देखिए इसका कलर जो है हल्का गोल्डन कलर का आ चुका है, बस इसी स्टेज पे हम इसे निकाल लेंगे। अब दूसरी हम यहाँ पे तल लेते हैं। तो ये देखिए तुरंत तेल में जाते ही ये खिल जा रही है बिल्कुल अच्छे से, ये देख सकते हैं आप। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमने बेकिंग पाउडर लिया था उसके जगह हम बेकिंग सोडा क्यों नहीं ले सकते हैं। आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगी ना कि जो जलेबी है वो तुरंत ही सॉफ्ट हो जाएगी, तुरंत मुलायम हो जाएगी, इसीलिए हमने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है। तो आप भी कोशिश करिएगा कि बेकिंग पाउडर ही ले, अगर बेकिंग पाउडर नहीं है तो उसके जगह पे आप इनो भी ले सकते हैं। तो ये देखिए इसे भी हमने निकाल लिया है, अब इसे हम चाशनी में तुरंत डाल देंगे। और एकदम जैसे कि हमें तल करके इसे निकाल करके रखना नहीं है, तुरंत हमें इसे चाशनी में डालते जाना है और बस इसे हमें डुबो करके और निकाल देना है। ज़्यादा देर तक हमें इसे चाशनी में नहीं डालना है, गर्म के कारण ये तुरंत ही चाशनी पी लेती है। इसी तरीके से सारी जलेबियाँ हम इसमें डिप करके और फिर तुरंत ही निकाल देंगे। तो ये देखिए ये चाशनी कितने अच्छे से पी चुकी है, एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ना। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो बस एक कप मैदे से हमने कितनी सारी जलेबियाँ बना करके तैयार कर ली हैं, एकदम पतली पतली और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। अब इसे हम थोड़ा गार्निश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ सिल्वर वर्क और इसे हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। और ये देखिए ये कितनी ज़्यादा जूसी और क्रिस्पी जलेबी बनी है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा जूसी है, जो इसका चाशनी एकदम अंदर तक गया है आपको दिख रहा होगा, और ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि हमारी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।